के बाद अब सिर्फ चर्चा इस बात की है कि सरकार आखिर किसकी छत्तीसगढ़ में बनेगी लेकिन उसके लिए तीन तारीख का इंतजार करना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे रुझान हैं बहुत सारी बातचीत है कि किस तरीके से वोटिंग हुई है हमारे साथ उप तो मुख्यमंत्री टी एस सिंह देव उनसे बात करते हैं क्योंकि उनपे के पास भी पार्टी के और दूसरे अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई होगी टी एस बाबा क्या लग रहा है क्योंकि पहले बहुत सारे दावे थे कि पचहत्तर पार कांग्रेस आएगी अब जब मतदान के पाँच छह दिन गुजर चुके हैं मतदाताओं का क्या रुझान रहा बहुत सारे लोगों से आपकी बात हुई होगी किस स्थिति में कांग्रेस को पा रहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो क्या संख्या होगी साठ के आसपास पचहत्तर पार सब बोलते रहे मुख्यमंत्री भी बोलते रहे कांग्रेस के बड़े लीडर बोलते रहे लेकिन आप शुरू से जो ना साठ पे थे तो साठ से ऊपर और साठ से नीचे की कितनी संभावना है पता नहीं चलता आ, आप मेरे से अगर पूछ रहे हैं तो ईमानदारी मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता है कि क्या होगा किसी के पास मैं नहीं समझता कि वो क्षमता है जानकारी लेने की कि जो 2000 5000 से हर जीत होगी उसको बता सके कि ये 2000 से जीत जाएंगे पांच हजार से जीत जाएंगे जहाँ क्लियर दिखता है एक तरफ झुकाव है उन सीटों को आप बता सकते हैं और ऐसी सीटें तीस से कम होंगी दोनों पार्टियों की मिला के अच्छा एक चर्चा ये भी है कि फर्स्ट फेज में बीस सीटों पर मतदान हुआ था फिर फे सेकेंड फेज आया फर्स्ट फेज वो फे सरगुजा के मिला के चौंतीस सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक थी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं शायद कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं भाजपा की कि इधर पर जो है ना आधे आधे स्थिति हो जाएगी तो ऐसा है कि आपको भी लगता है रायगढ़ समेत सरगुजा संभाग को अगर आप देखें तो ये उन्नीस और बारह इकतीस सीट होती हैं इकतीस की इकतीस कांग्रेस के पास है मुझे नहीं लगता है कि इकतीस की इकतीस कांग्रेस को मिल सकेंगे किसी एक पक्ष को इकतीस सीट दोबारा मिल सकेंगे ऐसा कम होता है बहुत कम होता है लेकिन बहुमत क्लियर कांग्रेस के पक्ष में आएगा ऐसा मुझे लोग बता रहे हैं अच्छा आप अपनी पार्टी का तो बताने में थोड़ा सा झिझक होती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े कौन से चेहरे हार रहे हैं आश्चर्यजनक आज ही मेरे को किसी ने रिपोर्ट बताई कि रमन सिंह जी हारेंगे मैंने तो नहीं सोचा था फ्रेंकली मैंने नहीं सोचा था लेकिन आज ही कांग्रेस के काफी जवाबदार काफी सीनियर साथी नानगांव से उनने मुझे बताया कि रमन सिंह जी जो उनके पास फीडबैक आया है टीचर्स और 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 ये और वो और, अच्छा कांग्रेस में शायद आपके लिए मुश्किल होगा नाम बताना कांग्रेस में ऐसा बड़ा चेहरा जो हार रहा हो नाम अगर नहीं बता सकते तो एक आध ऐसे लोग हैं क्या ये समय उचित नहीं रहता पता नहीं मतलब पूरे प्रदेश में ऐसे कुछ इनपुट आ रहे हो ये कहना ठीक मेरे लिए ठीक नहीं विवादित बयान हो जाएगा अच्छा एक जो सबसे ज्यादा चर्चा अब है क्योंकि पिछली बार भी चर्चा थी ये सवाल तो आपसे पूछा भी जा सकता है कई बार पूछा गया मुख्यमंत्री को लेकर बात होती है तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत कांग्रेस ने सीधे तौर से एक चेहरा सामने नहीं किया मुख्यमंत्री जी रहे हैं लेकिन अब जब अगर मान लो बहुमत मिलता है तो क्या फिर तीन चार लोग रेस में होंगे हर चुनाव के पहले हर पार्टी अपना विश्लेषण करती है और परिस्थिति के हिसाब से इसमें प्रोजेक्ट करती है कि कैसा करना कैसा करना पिछले 2018 के चुनाव के पहले हम लोग जॉइंट लीडरशिप में लड़े थे भूपेश भाई पीसीसी प्रेसिडेंट थे मैं सी एल पी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा था और और सीनियर लीडर्स थे हम लोग साथ बैठते थे मीटिंग करते थे और स्ट्रेटजी बनाते थे और हम लोगों ने चुनाव लड़ा चुनाव के बाद में चार लोगों को बुलाया गया हम मुझे नहीं लगता है कि हमें से किसी ने पहल की ग्यारह तारीख को काउंटिंग हुई रिजल्ट सामने आया और तेरह तारीख को खबर आई ये चार लोगों को दिल्ली बुलाया गया है uh, महान जी को ताम्रदास भाई को भूपेश भाई को मेरे को उस समय ये बात सामने आई कि मुख्यमंत्री के लिए आ, शायद कंसिडर कर रहे होंगे उसमें कहीं कोई लॉबिंग मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने कि मालूम ही नहीं था रिजल्ट ही तभी आया था कि अब कैसे करना क्या करना आ, विधायक दल की बैठक हो गई इत्यादि नहीं चारों पे विचार करके और हाईकमांड ने एक निर्णय लिया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने ढाई साल का विषय भी तो था मीडिया अच्छा मीडिया का अच्छा इस बार की क्या लग रहा है कि बाबा की इस बार ज्वाइंट लीडरशिप में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 28 जून को जो बैठक 24 अकबर रोड में हुई उसमें क्लियरली ये डिसाइड किया गया कि ज्वाइंट लीडरशिप में रहेगा और सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उसको लीड करेंगे टीम को लीड करेंगे तो ज्वाइंट लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और चुनाव हम जीते हैं तो उनका नाम कंसिडरेशन में तो आगे रहेगा ही उसमें कोई आ, सोचने की किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है इच्छा तो होगी ना पूरी किसकी आपकी मुख्यमंत्री नहीं भी? नहीं हाई कमांड मेरे मैं पक गया पिछले ढाई साल ढाई ढाई साल वाली बात में हाँ मैं काफी परेशान भी हुआ और काफी हम लोग के संबंध में भी ऐसा लगता था कि तनाव की स्थिति बन रही है मैं भूपेश भाई से मिलके भी आया परसों और मैंने यही कहा उनको कि ये सब कुछ कुछ नहीं कमांड जैसा तय करे और आपस में हम लोग में कहीं कोई मौका ऐसा नहीं लोगों को बीच के लोगों को देना चाहिए कि कोई स्थिति ऐसी बने और जो हाँ कमांड तय करेगा और वो हंड्रेड परसेंट उनकी भी सहमति थी उसमें अच्छा अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कहीं दुख होगा दुख की बात नहीं है ये मौके मिलते हैं जीवन में कुछ काम करने के तो जो जैसे मौके मिल गए वो आदमी वैसा काम करता है दुख है इसमें नहीं है मेरा टारगेट सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का नहीं है मेरा टारगेट काम करने का है। जिस रूप में भी काम करने को मौका मिल जाए मुझे क्योंकि तत्काल धान की खरीदी चल रही है उसमें एक निर्णय लेके सरकार को और धान का जो भाव है बत्तीस सौ रूपये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पिछली सरकार में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई थोड़े थोड़े से आपने बात बताया था इस बार क्या लग रहा है अगर सरकार में रहे वो लागू दुनिया में होना ही है सिर्फ समय की बात है ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में खींचतान की एक स्थिति बनी हुई है आ, ये आज नहीं तो कल होना ही है मेरे मंत्री रहते हुए हो सरकार रहते हुए हो दूसरी सरकार आते हुए हो ये दुनिया में होगा ही इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है समय की बात है कि समय लग रहा है दुनिया के आठ सात आठ देश हैं जिनने इसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है अडॉप्ट किया हुआ इस बाबत कि ये दुनिया में लागू करना है और अभी उन्होंने तिथि उसको पहले बढ़ा के आ, कम रखी थी अब बढ़ा के 2030 कर दी है तो 2030 तक दुनिया के हर देश को राइट टू हेल्थ लागू करने का ये यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है मेरी कोई दिमाग की उपज नहीं है मेरे लिए एक जीवन का लक्ष्य है कि जो 2030 का यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है क्या हम छत्तीसगढ़ में उसको पहले लागू कर सकते हैं राहुल गांधी जी का एक ट्वीट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है पीएम मोदी को लेकर तो इस तरीके की भाषा अगर देखें राजनीति में चर्चाएं बहुत दिनों से है इस ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे आप ये सवाल राहुल जी के संबंध में क्यों पूछा जाता है और बहुत सारे गंदे से गंदे बयान ये तो मेरे को नहीं लगता है कि ये चुभाने वाला पिंच करने वाला हो सकता है आ, लेकिन इसमें कोई अपमानजनक कोई बात नहीं कोई बैड लक ले आया इसमें अपमान की कहीं कोई स्थिति नहीं होती वो तालियाँ खूब बचती खूब तालियां बजती अगर वो मैच जीते कि मोदी जी बैठे थे इसलिए जीत गए वो खिलाड़ी नहीं अच्छा से खेले या खराब खेले या बहुत अच्छा खेले इसलिए जीत गए वो खिलाड़ियों को क्रेडिट नहीं जाता वो सीधे सीधे मोदी जी के दरवाजे जाता आप भी जान रहे हैं मैं भी जान रहा हूँ और दुनिया भी जान रही है कि होता ही अगर हम जीते तो पहला पहला कहते मोदी जी मोदी जी देखिए वो थे गुड लक ले मतलब तो तो पे, पे अगर भाजपा जीतती तो वहाँ पे मोदी जी ही जिता देते वहाँ की और हारती तो है वहां नड्डा जी आ जाते हैं कोई और जी उसी जैसी मिलती जुलती बात है तो ये पब्लिक फील्ड में ये सब बातों को लेके चलना चाहिए आपत्तिजनक कोई शब्द का इस्तेमाल हो जैसे कि हो चुके हैं इसके पहले आपके पिता कौन हैं, आपकी जाति क्या है इस प्रकार की बातें जो लोग कह चुके हैं उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार के बदलक वाली बात बोल दी तो इतना हो हंगामा हो करने की वो अपने अंदर झांक के देखें कि किन किन शब्दों का प्रयोग उनने पहले किया और भी बहुत सारे शब्द हैं आप गिनाएंगे तो, अच्छा तो सैकड़ों आप मिलाकर अच्छा कह पार सकते हैं इस तरीके के शब्दों पर राजनीति में इस्तेमाल किसी भी पार्टी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए चालू करें प्रधानमंत्री जी शुरुआत वहां देश की अगुवाई रास्ता दिखाना है तो किसको दिखाना है बिल्कुल वहां से चालू करें हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जिन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के बारे में कहा और ये दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी आला कमान तय करेंगे इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का जो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि संसदीय शब्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो तो देश उसको फॉलो करेगा कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली एन के लिए